యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా యెహోవా ఎలియోన్ సృష్టికర్త మేరా పితా బన్ గయా అబ్ తో మే సనా తు హు అబ్ తో మే సనా తు హు पिछले दिनों में काफी वचनों प्रभु का आत्मा हमें दे रहे और सब प्रभु को उपस्थिति के बारे में था। इसराइल का लोग मरुस्थल में जब यात्रा किया प्रभु को उपस्थिति उनका भीष्म में था। और जैसे एज़ेकियल ने दर्शनों का द्वारा देखा, यूहन्ना ने पद्मोस में दर्शन का द्वारा देखा, वैसे ही पूर्ण रूप में प्रभु का महिमा प्रभु को उपस्थिति मरुस्थल में इसराइल का प्रचार के साथ में था। आज भी उससे जुड़ा हुआ एक वचन मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, इसे प्रार्थना कर दीजिए, जो भी वचन बताएगा उस वचनों का द्वारा प्रभु मुझे बात कर दीजिए। मैंने बताया एक पिनियल के बारे में बताया, पिनियल याकूब परमेश्वर का मुख देखा हुआ जगाए। उन्होंने केवल एक दूत के साथ में नहीं है मगर परमेश्वर के साथ में लड़ा हुआ जगह ये पिनियल। उस जगह में उन्होंने उस जो दूत का नाम पूछा, क्या है आपका नाम, बता के दिया नहीं। हम पिछले हफ्ते सुना वैसे ही मनोहा भी उस दूत को नाम पूछा तो नाम बता के दिया नहीं, मगर उस जगह क्या कहा, मेरा नाम अद्भुत है, हालेलुया, इसे बोल नहीं पाऊंगा, मेरा नाम अद्भुत है। उस अध्याय में न्याय की किताब 13वां अध्याय में 20-21वां वचन में हम देख पाऊंगा, जैसे स्वर्ग दूत धूप में चढ़कर स्वर्ग में चला गया, मनोहा ने क्या कहा, मलबे में परमेश्वर को मेरा सामने देखा, दूत को देखा बोला नहीं, मैं परमेश्वर को मेरा सामने देखा, फिर भी मैं मरा नहीं। मनोहर को कैसे मालूम पड़ा, ये दूत नहीं था परमेश्वर है करके, एक तो उसका नाम बता के दिया नहीं, दूसरा बात स्वर्ग दूत को कुछ चीजों में अधिकार नहीं है। उदाहरण बोलेगा तो एक स्वर्ग दूत हालेलुया एक संदेश वाहक है, वो परमेश्वर ने जो बोला संदेश बता के चला जाएगा, तो बोलेगा नहीं मैं कह रहा हूं, बोलेगा परमेश्वर कह रहा हूं, हालेलुया, खुद बोलने का अधिकार उनको है नहीं, परमेश्वर का संदेश वाहक है। लेकिन यह स्वर्गदूत मनोहा को आशीषित किया, आशीष देने का अधिकार उनके पास था। और एक बात समझ लो, ये स्वर्गदूत उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर के लिए एक बेली लाओ, जैसे वो लोग क्या किया, बेली का वस्तु लाया, चट्टान का ऊपर उस वस्तु रखा और स्वर्गदूत उसका हाथ में जो चड़ी था उस चड़ी से उस बेली को छुआ, तुरंत स्वर्ग से अग्नि उतर के उस बेली क्या हो गया, राख हो गया। एक स्वर्गदूत को कर नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि स्वर्गदूत बेली स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, आराधना स्वीकार करने के लिए सिर्फ परमेश्वर योग्य। सो ये एक्सेप्टेड है वर्शिप, एक्सेप्ट वर्शिप, खाना देगा बोला, खाना नहीं चाहिए बोला, बेली लाओ बोला, और उस बेली को क्या किया, छू के स्वीकार किया। स्वीकार किया मतलब क्या है, स्वर्ग से अग्नि, ये बात भी समझ लो, उधर बेली लाके रखा मनोहा, अब्राहम ने बेली लाके रखा, दाऊद ने बेली लाके रखा, सुलेमान ने रखा, वो सारे समय स्वर्ग से अग्नि उतराए। बेली चढ़ाने वाला कौन था, अब्राहम था, सुलेमान था, दाऊद था, इधर बेली चढ़ाने वाला कौन है, स्वर्गदूत नहीं है, मनोहा है। स्वर्गदूत को बेली चढ़ाने का अधिकार नहीं है, चढ़ाने के लिए कौन आके खड़ा है, मनोहा। तो स्वीकार कौन किया, स्वर्गदूत स्वीकार किया, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है, वो स्वर्गदूत आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य था। आराधना स्वीकार करने के लिए सिर्फ एक ही योग्य है, सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है।
मनोहा जैसे बलि का वस्तु लाया, दूध उस बलि सिगार किया, इसका मतलब वो दूध एक मामूली दूध नहीं है, वो दूध हालेलुया परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीही है। जुनान नियम में दूध का रूप में कौन प्रकट हो गया? यीशु मसीह। याकूब किसके साथ में लड़ा? परमेश्वर के साथ। मतलब जुनान नियम में जो पुत्र है उस पुत्र का साथ में लड़ा। याकूब का आखिरी समय में उन्होंने क्या कहा मालूम है? उस दूध मेरा साथ में था। ऐसे नहीं है याकूब का तड़क में मैं उनके साथ में लड़ा और उसके बाद में वो चला गया। बात सही, उसके बाद में फिर मैं उसको देखा नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थिति मेरा जिंदगी का हर कदम मेरा साथ में था। कहां बताया याकूब ये बात? उत्पत्ति का किताब उसका 48 का 16, उत्पत्ति का किताब 48 का 16 क्या लिखा है उधर देखो। कोई दूध मुझे सारे बुराइयों से छुड़ाता था। वही दूध इन लड़कों को आशीष दे। आमेन, हालेलुया। जिस दूध हालेलुया मुझे सारे बुराइयों से बचा के रखते था, मेरा साथ में था, आज तक साथ में था, उस दूध इनको भी आशीष दे। जिस दूध मुझे आशीष दिया उस दूध इनको भी आशीष दे। आपको बोलना चाहता हूं, आशीष देने का अधिकार परमेश्वर के पास है। याकूब को दूध आशीष दिए, इसका मतलब वो दूध मामूली दूध नहीं है, वो परमेश्वर ही है। अभी याकूब क्या बोल रहे हैं? जो दूध मुझे आशीष दिया और मुझे हर बुराइयों से बचा के रखा। बुराइयों का मतलब क्या है? बुराइयों का मतलब सिर्फ पाप नहीं है, जो जिंदगी में होने वाला एवरी काइंड ऑफ इविल, हर तरह का विपत्तियों, हर तरह का दुर्घटना, हर तरह का समस्या, उन सारे बुराइयों से मुझे बचा के रखा। उसी दूध इस बच्चों को भी आशीष दे। उस पुत्र मेरे इस बच्चों को भी साथ में रखो, क्योंकि जुनानी में भी कौन है? पुत्र है। त्रिनिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा शुरुआत से ही है। हालेलुया, सृष्टि के उत्पत्ति का पहले से ही है तीनों। कुछ लोग गलत सोचे, जुनानी में यहोवा बुलाते था, नया नियम में यीशु बुलाना शुरू किया, सिर्फ नाम बदल गया, एक ही ऐसे नहीं है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर में जो तृत्व है, उस तृत्व है जो भूतकाल का अनंतता से शुरू हो गया है। निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय में उसका 20वां वचन वो भी पढ़िए जरा। मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। कौन सा दूत है? जो याकूब के साथ में रहकर उसका हर बुराइयों से बचा के रखा। और जिस दूत का बारे में याकूब कहा, मुझे जो आशीष दिया दूध, इस बच्चों को भी आशीष दो, उसी दूध। परमेश्वर क्या बोल रहे? मेरा दूत, एंजल। पिता बोल रहे, मेरा दूत को मैं आगे भेज रहा हूं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह दूध है। नहीं, जुनान नियम में दूध बुलाया है, लेकिन हकीकत में वो दूध ही है। इस दूध के बारे में आगे क्या लिखा है पढ़ो जरा। वो दूध जो मदार के साथ में तुझे पहुंचा दूंगा, कहां? कनान में, वायदा के देश में। जैसे यीशु मसीह हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा, वैसे इस दूध तुम्हें पहुंचाऊंगा। तो अर्थ क्या है? मूसा है लीडर बन के, हारून है लीडर बन के, ये होशु है, लेकिन ये कोई चलाने वाला नहीं है। कौन फुट चलाने वाले? आगे स्वर्ग दूध है। वो स्वर्ग दूध तुम्हें कहां पहुंचाऊंगा? सही लक्ष्य में पहुंचाऊंगा, जहां तुम्हें पहुंचना है उधर वो स्वर्गदूत पहुंचाऊंगा। और आगे पढ़िए, उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना,
उसका विरोध ना करना. क्यों? क्योंकि वो एक मामूली दूध नहीं है. डू नॉट बी रिपीलियस अगेंस्ट हिम. उसको विरोध करेगा तो तुम रास्ता में नष्ट हो जाएगा. उसका विरुद्ध में काम करेगा तो तुम निशान में पहुंचेगा नहीं, तुम लक्ष्य में पहुंचेगा नहीं. यू विल बी गेट डिस्ट्रॉयड इफ यू बिकम रिपीलियस अगेंस्ट दैट एंजल. He's not a normal kind of angel. He's not an ordinary angel. लेकिन क्या लिखा है उसका आगे के वचन में? मतलब अपराध क्षमा करने का कैपेसिटी उसके पास, वो साधारण दूध नहीं है. उसका आगे देखो, उसमें मेरा नाम रहता है. वो मामूली दूध नहीं है. My name is in him लिखा है. अंग्रेजी में क्या लिखा है? उसको ऊपर मेरा नाम है करके लिखा नहीं, उसका अंदर मेरा नाम रखा है. परमेश्वर का नाम किसके अंदर रखा है? उस दूध के अंदर रखा है. अर्थात क्या है? दूध परमेश्वर ही है. उसका अंदर मेरा नाम रखा है. धन्यवाद यीशु. तो मिस्री से सचमुच में चुड़ाने के लिए कौन उतराया? एक मामूली दूध नहीं है, यहोवा खुद उतराया इनको इधर से बाहर लाने. परमेश्वर खुद उतरा है. इसका मतलब क्या है? जो दूध इनको देश से बचाने के लिए आए उसी दूध. कौन है? यीशु मसीह. जो दूध आज आगे चल रहे उसी दूध. हालेलुया. उसी दूध इनको मिस्र से छुटाने के लिए आए. उस दिन से वो दूध क्या कर रहे? आगे चल रहे. और वचन में क्या लिखा है? माय नेम इज इनसाइड हिम. एक मामूली दूध नहीं है, वो यीशु मसीह ही है. पढ़िए. उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया. आमेन. आप ये वचन और एक बार स्पष्ट रीति में पढ़ना है. वो उसका उद्धार करता बन गया. आठवां वचन. उद्धार करता हो गया. किसका बारे में बोलते? यीशु मसीह. और उसका आगे का वचन में क्या बताया? देखो ये भूलना नहीं है. नहीं नहीं, नौवां वचन. उनके सारे संकट में कौन कष्ट उठाए? ऊपर जो बोला उद्धार करता, उसके सारे कष्ट संकट में उन्होंने भी कभी उसका नीचे पड़ो. और उसके सम्मुख रहने वाला दूध ने उनका उद्धार किया. उसका सम्मुख रहने वाला दूध किसका बारे में बोल रहे? जो इसराइल का साथ में मरुस्थल में चल रहे थे उस दूध का बारे में बोल रहे. अभी तो इस वचन में ये दूध कौन है करके क्लियर हो गया. उद्धार करता दूध है. और क्या बोला? साथ में कष्ट उठाया दूध है. हमें अभी क्या बुलाया? दूध बुलाया. और उसका आगे प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया. हाँ, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिया किया. प्राचीन काल में मरुस्थल में, मरुस्थल का कहानी चल रहे था. उन्होंने उसको क्या किया? उठाया. कौन? वो स्वर्गदूत. वो स्वर्गदूत कौन है करके क्या बोला? सृष्टि करता. हालेलुया. उद्धार करता. हालेलुया. युद्ध करने वाला परमेश्वर. 63 का एक से पड़ेगा तो ये दो में मुझे कौन लेके जाएगा? मेरा ही हाथ क्या करेगा? मेरा जीत लाएगा. कौन बोला? परमेश्वर बोला. तो वो दूध कौन है? वो दूध परमेश्वर ही है, अर्थात यीशु मसीह ही है. तो इसराइल का प्रत्येक आगे आगे कौन चलता था? परमेश्वर, मतलब यीशु ही चलता. इसलिए भजन संहिता 2:9 में कहा, तुम रास्ता में नष्ट ना होने के लिए पुत्र को चुंबो. कौन है पुत्र? इसलिए निर्गमन 23:20 में कहा, तुम उसको विरोध करना नहीं है तुम नष्ट हो जाएगा. नष्ट ना होने के लिए तेरा आगे चल रहे पुत्र को चुंबो. ये वाक्य पूरा करेक्ट हो गया. जूनान नियम में कौन था? यीशु मसीह था. यहूद लोग उनको दूध पुकार, लेकिन उस दूध के अंदर उसका नाम था, परमेश्वर का नाम अंदर था, मतलब परमेश्वर ही था. इसलिए मनोहर ने पूछा, बोला मेरा नाम अद्भुत है, बोल नहीं पाओगा.
इसलिए याकूब ने पूछा, बताया नहीं। हालेलुया। जब जब मूसा ने पूछा तभी बताया। क्या बताया? हालेलुया, आई एम द लॉर्ड। हालेलुया, मैं प्रभु है। मूसा के लिए स्वर्गदूत उतरा आया होरेब में, वो तभी क्या कहा? तभी मूसा नाम पूछा, उन्होंने छुपा के रखा है नहीं। मूसा को बोला आयाम तक आयाम। हालेलुया, मैं यहोवा, मैं प्रभु है बोला। यहोवा करके शब्द का मतलब लॉर्ड, मास्टर, प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलना चाहता हूं आगे कौन चल रहे? यीशु को उपस्थिति चल, यीशु को उपस्थिति अपने आगे जाके अपने लिए जगह बनाए। तुम्हें पहुंचाने के लिए जिस देश में पहुंचना है उस देश पहुंचाने के लिए कौन मदद करेगा? ये दूध आगे चल रही, मतलब यीशु सहायता करेगा। जो भी अपने जिंदगी के आगे के बातों में उसका बारे में आप दुखी मत हो जाओ, यीशु आपका आगे चल रहे। अगर यीशु आपका आगे चलते तो उन्होंने आगे काम करेगा, जगह बनाएगा, रुकावटों को हटाएगा। वो सेवकाई हो, आत्मिक जिंदगी के जो भी चुनौतियां हो, यीशु आगे चल। और सिर्फ उतना नहीं है, हालेलुया, अपना आत्मिक नाम को उन्होंने, हालेलुया, सही जगह में वो पहुंचा। जिस समुद्र से हम यात्रा कर, इस समुद्र में बहुत लहर होगी, अपने विरुद्ध में उठने वाला बहुत आंधी तूफान, लेकिन अपना नाव डूबने के लिए नहीं दूंगा। जैसे पानी के ऊपर चल के आया और नाव में चढ़ा, उसी परमेश्वर। वचन में क्या लिखा है बल में? जैसे यीशु नाव में चढ़ा उसी समय वो लोग पहुंच गया। चढ़ने का एक मिनट पहले झील का बीच में था, झील का बीच में घूम रहा था नाव, लेकिन जैसे यीशु चढ़ा उसी क्षण क्या किया वो लोग? यही है विशेषता मेरा प्यारो, जब यीशु आपके साथ में है, यीशु आपको सही हलल जगह में, सही हललुया निशाना में यीशु पहुंचाएगा। आपका ताकत से नहीं, आप खुद कोशिश करेगा तो आप एक इंच भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। मैं मेरा प्यारो आपको बोलना चाहता, आत्मिक जिंदगी खुद का सामर्थ्य कोई भी बिता नहीं पाओ, पाप के ऊपर जीत पके कोई भी खुद का सामर्थ्य जी नहीं पाओ, क्योंकि हम इंसान हैं। वैसे कोशिश किया काफी लोग, मेहनत करके थक गए वो लोग, लेकिन जब ईश्वर का अनुग्रह का नीचे रहेगा, जीसस विल हेल्प यू। हालेलुया, बहुत पाप से लटके लटके हार गए व्यक्तियों को कौन मदद करेगा? ईश मदद करेगा। हालेलुया, यीशु मदद करेगा आराम से, आसानी से। हालेलुया, अपना आत्मिक नाव, हालेलुया, उस जो हालेलुया जगह में, क्या बोलते हैं, हालेलुया, उस जो पोर्ट में पहुंचने वाला, रास्ता में तुम नष्ट होने वाला नहीं। यीशु आगे आगे चल गए। अगर यीशु आगे चलते तो हमें कुछ दुखी होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नसरों मुन को ऊपर। इसे प्रभु का वचन सब कुछ दिन पहले हम सुना, उठ के और दृष्टि लगा के ताकते रहो, विश्वास का सिद्ध करने वाला, पूर्ति करने वाला ईश को ऊपर अपना दृष्टि लगा के क्या करो? आगे ताकते रहो। वो आगे जा रहे अपना, वो सही निशान में हमें लेके। हालेलुया, बोला अच्छा तो मेरे प्यारे से सब प्रभु का वचन में काफी परमेश्वर के भक्तों में वो सिर्फ परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही जिया। जिंदगी के छोटे मोटे सारे विषयों में वो पहले क्या किया बल में? प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? उसके लिए उदाहरण था दाऊद। दाऊद हमेशा कैसे जीते था बल में? प्रभु का इच्छा क्या है पूछ के, सुन के आगे बढ़ते था। अगर ईश्वर को ऊपर नजर रख के आगे बढ़ेगा तो हार जाने वाला नहीं। ऐसे एक व्यक्ति था दाऊद। हालेलुया, खुद का मर्जी में गया नहीं। आपने दूसरे शमूएल का किताब पांचवा अध्याय में देखेगा तो उधर दाऊद ने युद्ध करने के लिए जा रहे, वैसे काफी अनुभव हम देख पाऊंगा। वो भी बोल के मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। दूसरा शमूएल का किताब 5:19 पढ़िए। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा,
क्या मैं फिलिस्तीनियों के ऊपर चढ़ाई करूं? हाँ हमें पूछ के कर देना, हालेलुया, पूछ के, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को अगुवाई पूछ के आप करेगा तो हालेलुया, जिंदगी का हर स्टेप परमेश्वर को पूछ के करेगा। तो उन्होंने हाँ बोला तो आपने क्या करने आगे, ना बोला तो कभी भी आगे बढ़ना नहीं। योर लाइफ विल बी ए सक्सेसफुल लाइफ, हालेलुया। वो स्वप्नों का द्वारा बात करे, दर्शनों का द्वारा बात करे, हालेलुया। कभी कभी अपने अंदर हम सुन पाओगे वैसे परमेश्वर का आत्मा बात करे, कभी कभी उनका वजन जब पटके बैठेगा तभी बात करे, हालेलुया। हाँ इसे यह वजन पटके बैठेगा, वजनों का द्वारा वो अपने काफी सवालों का आंसर करे। कभी परमेश्वर के दासों में से वजन देते तभी बात करे। कभी कभी क्या ना कुछ भविष्यद्वक्ता वो मां के हमें क्या कहेगा, भविष्यवाणी देगा। हम कोई भविष्यद्वक्ता का पीछे जाने का जरूरत नहीं है, प्रभु क्या करेगा, कोई किसी को अपने पास। तो दाऊद ने क्या किया, पूछ के ही किया, क्या मैं चाहूं ना चाहूं, जिंदगी के हर विषयों में पूछ के कर, प्रभु मेरे लिए है क्या है? जब प्रभु ने हां बोलेगा, आंख बंद करके आगे बढ़ो। शुरुआत में तकलीफों में होगा, शुरुआत में रुकावटों में होगा, लेकिन अंत अच्छा रहेगा। दाऊद पूछा, क्या मैं पीछा करूं इस शत्रु को? प्रभु बोला, जाओ पीछा करो। दाऊद हमेशा क्या करता था, परमेश्वर का अगुवाई पूछ के ही उन्होंने आगे। वापस आइए दूसरा शमूएल पांचवा अध्याय। उन्होंने पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों का विरुद्ध में जाऊं? प्रभु ने बड़े जीत उसको दिया, हालेलुया। उस जगह को बाल परासीम करके नाम दिया। उसका मतलब क्या है बाल में, प्रभु ने एक झरना जैसे मेरा शत्रुओं को ऊपर गिरा और मुझे जीत दिया। और भी क्या हो गया मलबे, उसका 22वां वचन में वापस पढ़िए। आमीन। आमेन। इधर प्रभु ने क्या बोला, पहले बोला तुम चढ़ाई करो उनको, अभी बोला नो, अभी तुम चढ़ाई करना, यू वेट, हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पीछे से आपको दौड़ा चुपके रहना पड़ेगा। कभी चढ़ाई करना है तुम सुनेगा, क्या सुनेगा, हेलो, क्या वृक्षम लिखा है उधर अंग्रेजी में, कुछ ट्रांसलेशन में मलबरी वृक्षम लिखा, बाखा करके उसका ओरिजिनल, ओरिजिनल में बाखा लिखा है। बाखा का मतलब आंसुओं, हालेलुया, बाखा का वृक्ष, तेरा आंसुओं का वृक्ष समझो, तेरा आंसुओं का वृक्षों के ऊपर तुम सुनेगा, क्या सुनेगा, ऐसे आहट सुनेगा, हालेलुया, ऐसे आवाज तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा। क्या आवाज है, परमेश्वर का सेना चल रहे उसको, तभी तुम आगे बढ़ो, तब तक तुम रुको। जब तुम आवाज सुना इसका मतलब तेरे आगे परमेश्वर उतराया है तेरे लिए युद्ध करने के लिए। तुम आगे जब तब तक मत बढ़ो, हालेलुया, परमेश्वर का हालल आवाज तुम मलबरी वृक्षों के ऊपर सुनने वाला, वाखा का वृक्षों के ऊपर तुम किसका आवाज सुनने वाला है, परमेश्वर का सेना का दूधों चलने का आवाज। एंड यू विल हियर द एंजल्स, हालेलुया, मूविंग ओवर मलबरी ट्रीज, मलबरी वृक्षों के ऊपर कौन चलने वाला है, एंजल्स। जब वो सुनेगा तुम आगे बढ़ो, तब तक इंतजार करो। आज बोल रहे प्रभु का आवाज सुन के आगे बढ़ो। एक बार पक्का हो गया प्रभु आगे चल रहे, अमेन, फिर डरने का कुछ बात नहीं है, प्रभु आगे जाकर युद्ध करेगा। अजय प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा आगे कौन चलेगा, वो आपका उपस्थिति चलेगा, हालेलुया।
एवरीबडी प्रे, सभी लोग आंखें बंद कर दी। ऐसे समर्पण के साथ में प्रार्थना कर, प्रभु मैं विश्वास करते मेरा आगे स्वर्गदूतों चलने वाले, मेरा आगे हालेलुया यीशु आप चलने वाले, मेरा बाखा का तराया, बाखा का शब्द का दूसरा मतलब भी मैं बताया क्या है, आंसू, मेरा आंसुओं का तरायो मैं क्या सुनेगा, मैं स्वर्गदूतों चल रहे उस आवाज में। कितना लोग बोलेगा मेरा बाखा, मेरा दुख, मेरा आंसुओं का तराय में मैं उनका हालेलुया पैरों चलने का आवाज सुनने वाला। तो मेरा बाखा का तराई हालेलुया मेरा आनंद का तराई बनने वाला, मेरा बाखा का तराई हालेलुया मेरा आशीष का तराई बनने वाला। कुछ विषयों में आपको इंतजार करना पड़ेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, प्रभु आप आगे उत्तर के काम करने तक हालेलुया, तर आगे उस जो आहट सेना चल रही उस जो आहट सुनने तक इंतजार करना पड़ेगा। लोग आत्मा बोल रहे अगुवाई सुनो, प्रभु का इच्छा क्या है वो समझ लो, अगर प्रभु ने बोला जल्दी जाके उसके ऊपर चढ़ाव करो, जाके हमला करो, प्रभु ने बोला रुको चुपचाप रहो, मेरा अगुवाई के लिए रुको, मेरा सिग्नल के लिए रुको, When you hear the angels walk over the mulberry trees, when you hear the voice, जब तुम आवाज सुनेगा, क्या आवाज सुनेगा, मलबरी वृक्षों के ऊपर सेना चल रही उस आवाज सुनेगा, हालेलुया, मलबरी वृक्षों के ऊपर सेना चल रही उस आवाज सुनेगा, तुम क्या करो, तुम जाके हमला करो, हालेलुया, पूर्ण रूप में शत्रु को तेरे हाथ में प्रभु सौंपने वाला है। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे तुम्हें फिलिस्तीनियों का जावनी में जो आहट हो रहे वो देख के तुम्हें काम करना नहीं है, तुम्हें तेरे सिर का ऊपर बाखा का वृक्षों के ऊपर मलबरी वृक्षों के ऊपर परमेश्वर का आवास उसका सेना चलने का आहट सुन के तुम्हें चलना है। दुनिया का लोग फिलिस्तीनियों का काम में क्या हो रहा है वो देख के काम करेगा, हम उसमें नजर लगाने वाला नहीं है, हम परमेश्वर का गुआई सुन के आगे बढ़ने वाला है। वॉच, हालेलुया, वॉच एंड वेट, वॉच एंड वेट टिल यू हियर उस मलबरी वृक्ष के ऊपर सेना का आवाज। आंख बंद करके बोलो प्रभु मैं तैयार है, आई एम रेडी टू वेट टिल आई विल गेट ए क्लियर गाइडेंस, एक स्पष्ट रूप में एक गाइडेंस मिलने तक मैं रुकेगा। आप बात करने वाला परमेश्वर, मेरा आगे जो स्वर्गदूत चल रहे अद्भुत है उसका नाम, मेरे लिए सभी विषयों में आगे तैयार करेगा, मेरा आगे जो यीशु चल रहे मेरे लिए सभी विषयों वो आगे जाके आई विल वेट, हालेलुया। लोग आपका कुछ परिवारों का कुछ लोगों को बोल रहे हालेलुया उसका आवास के लिए रुको इंतजार करो वेट करो, गॉड विल आंसर योर प्रेयर, हालेलुया, ही इज गोइंग टू आंसर योर प्रेयर, धन्यवाद यीशु। तो जिस वचनों के सामने मैं नम्र करता Baby